हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव्या एजुकेटर। और आज दूसरे दिन हम लोग स्किल्स का पहला दिन मानेंगे कि आज के दिन हम इंग्लिश का जो हमारा फर्स्ट डे है वो आज से है। लगभग दिन दूसरा है क्लास का, लेकिन मेनली स्किल्स जो है वो आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो जैसे कि आपने पिछली मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम स्किल्स के बारे में सीखेंगे, तो आज हम जो अपनी पूरी इंग्लिश है उसका 10% को कवर कर लेंगे आज। तो आज हम पूरी आपको बता देते हैं क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सीखने से पहले मैं आपको सबसे पहले दूंगा वोकेबुलरी टेस्ट टिप्स। वोकैब के टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ कि आपको वोकेबुलरी को कैसे इम्प्रूव करना है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हम छेड़खानी करेंगे प्रोनाउंस के साथ, और उसके बाद हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में हम दिस, दैट और दीज दोज के बारे में सीखने वाले हैं, और मेनली हम टाइम को आज जानेंगे कि इंग्लिश में टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है और टाइम को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, और हम ये सारे पार्ट्स को आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बस आज हम इतना ही सीखेंगे, लेकिन ये मेरे हिसाब से काफ़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वोकैब टिप्स देख रहे हैं कि वोकेबुलरी हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, कहाँ से हम वोकेबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें आपको लर्न करनी है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जितने भी फ्रूट्स हैं, आपने बच्चों की बुक देखी होंगी, तो जो बच्चों की बुक होती है उनमें फ्रूट्स नेम वगैरह होता है, तो फर्स्ट स्टेप आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप ऐसे याद नहीं करेंगे कि भाई केला है और केला को हम बनाना बोलते हैं। अगर आप ऐसे याद करते हैं कि भाई केले को बनाना बोलते हैं, तो ये आपका मेथड रॉन्ग है। तो बेसिकली आप बच्चों की बुक उठाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि अब ये टेक्निक नहीं आती है। अब क्या होता है कि सामने एक ये शेप बनी है और इसमें लिखा है कि ये मैंगो है। इसका बेनिफिट ये होता है, बच्चा डायरेक्ट पिक्चर टू वर्ड सीखता है। मतलब वो पिक्चर में मैंगो देखता है, वो आम नहीं देखता, सिर्फ मैंगो देखेगा, सीखेगा इस तरह। तो आपके पास चार्ट्स होंगे, आप चार्ट को देखिए। बेसिक में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और जो चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए आप बर्तनों के नाम भूल जाते हैं। जो किचन आइटम है, किचन आइटम को आपको ढूंढ के निकालना है, क्योंकि वो स्कूल में नहीं सिखाए। जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, मसालों के नाम आपको बचपन में नहीं सिखाए गए हैं। और जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स जो घर में मतलब यूज़ किए जाते हैं, वॉशिंग मशीन या सोफ़ा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या ये सब चीज़ें, आपको स्पेलिंग पे कोई ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ स्पीकिंग करनी है। तो आपको इनके सिर्फ नाम को पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती है। ठीक है, जैसे फ्लावर वास होता है, तो ये सब हाउस होल्ड आइटम है। घर में कर्टेंस लगे हैं, बोर्ड है या फोटो फ्रेम है, तो इस तरह से आप हाउस होल्ड आइटम्स को देखें, किचन या स्पाइसेस इन सब को देखें। फ्रूट्स वेजिटेबल आपको याद होंगे, तो आपको ये सबसे पहले बेसिक को कवर करना है। बेसिक में भी ऐसा याद नहीं करना है आपको कि भाई इस चीज़ को क्या बोलते हैं, नहीं। आपको जब भी वो चीज़ दिखेगी, बस उसका नाम इंग्लिश में बोलना है। जैसे ये चीज़ क्या है, ये बोर्ड है, ये चीज़ क्या है, ये मार्कर है, ये क्या है, ये कैप है, ये डस्टर है। तो आप देखते रहें चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा कि आपको सारी चीज़ें आती हैं। बस कुछ चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, उन चीज़ों को आपको एक डायरी में नोट करना है। नोट कर लेंगे आप इन अ डायरी, तो आप एक डायरी में उनको नोट कर लेंगे। देन आफ्टर इवनिंग के टाइम पर आप उनको सबको देखेंगे कि भाई इस चीज़ को क्या बोलते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप हाथों हाथ गूगल का ट्रांसलेटर अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल में आप डाउनलोड कर ले, और उसके बाद वो आप उसमें वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वोकेबुलरी को आपको स्ट्रेंग करना। अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं है, अगर आपके पास वर्ड्स नहीं हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप ये अच्छे से बोल पाएंगे, या आप अच्छे से इंग्लिश को समझ पाएंगे, इंग्लिश आपकी बेटर हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है। तो सबसे पहले आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, वरना आपके साथ ऐसे होगा जैसे आप कह रहे हो मुझे खाना बनाना है, आई वांट टू, खाना बनाने को क्या बोलता है, तो इस तरह से आप परेशान हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ें सीखें कि खेलने को क्या बोलना है, अच्छा जाने को क्या बोलते हैं, आने को क्या बोलते हैं, भागने को क्या बोलते हैं, सोने को क्या बोलते हैं, देखने को क्या बोलते हैं, रोने को क्या बोलते हैं, कपड़े सुखाने को क्या बोलते हैं, धूप में खाना बनाने को क्या बोलते हैं, या भागने सोचने को क्या बोलते हैं, व्हाटएवर। जो भी चीज़ें, जो भी आप काम कर रहे हैं, सोचें कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यहाँ से आपकी वोकेबुलरी बिल्ड होगी। ठीक है, तो जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम,
सबसे पहले आप ये सोचें कि इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे। जैसे आप मम्मी खाना बना रही है तो सोचो मम्मी खाना बना रही है, खाना बना रही है, इंग्लिश में खाना कैसे बनाते हैं, कुक फूड, पकाने को, प्रिपेयर फूड, खाना बनाना, राइट। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें इंग्लिश में सीखेंगे और आपका फर्स्ट जो मिशन है वोकेबलरी का वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको सबसे पहला जो आपको स्टेप है वो आपका सबसे पहला स्टेप है वोकेबलरी का। आपको सबसे पहले अपनी जो वोकेबलरी है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिना वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग किए आप इंग्लिश में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि बिना वर्ड्स के आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सो सबसे पहले आपका स्टेप है, एक दिन लगे, दो दिन लगे, नो मैटर, लेकिन आपको सबसे पहले वोकेबलरी को अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। देन हम अब पढ़ने वाले हैं टाइम को। देखिए टाइम कितने टाइप का होता है, सिंपल है। एक पास्ट होता है जो हो चुका है, एक प्रेजेंट होता है जो इस समय है, और एक होता है फ्यूचर जो कल को होने वाला है। सिर्फ हम तीन टाइप के टाइम को पढ़ते हैं और ये होते भी हैं, 14 कोई टाइम ही नहीं होता। सो आपको ये तीन बातें याद रखनी है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर सकता है। सो ये आपको ज़्यादा मैं इतना नहीं उलझाऊंगा कि आपको कोई रूल्स, अगर बात करूँ कि आपको रूल्स याद करने हैं, कुछ ही रूल्स याद नहीं करने। आपको रूल्स याद करोगे तो इंग्लिश नहीं बोलोगे, आप सिर्फ बोलना चाहोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे, रूल्स का कोई मैटर नहीं है मेरे यहाँ। तो आपको रूल से कोई मतलब नहीं है, कोई रूल नहीं सिखाने वाला ऐसा कि हाँ भाई इसी से बंध जाओ, कोई रूल नहीं है, सिर्फ बोलना है, ठीक है। तो टाइम के बारे में कोई खास नहीं, तीन तरह का टाइम है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तीन तरह का टाइम, और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो टाइम को लेकर इतनी सी बात थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रोनाउंस के बारे में। देखिए जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो प्रोनाउंस कैसे पढ़ते हैं कि जो मैं है तो मैं को क्या बोलते हैं, मैं को आई बोलते हैं, तुमको क्या बोलते हैं, तुमको यू बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, अरे आपको भी यार यही बोलते हैं, हैं, और तू किसी को, तू को भी यू बोलते हैं, तो इनमें क्या है, कन्फ्यूजन हो रहा है ना। और ये सीखने का तरीका भी नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, आप यू कैन जस्ट ट्रांसलेट, आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं किस में, हिंदी से इंग्लिश में, लेकिन हम आपको ट्रांसलेशन थोड़ी ना सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग। सो आपको डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना है। आज हम सिखाने वाले हैं कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। तो हमारा जो आज का मतलब जो टारगेट है ना वो ये बताने का है कि इंग्लिश में सोचा कैसे जाएगा, कि हम इंग्लिश में सोचेंगे कैसे। तो सबसे पहला टारगेट है कि इंग्लिश में ही सोचें और तब इंग्लिश में बोलें। अगर हम हिंदी में सोच रहे हैं और इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं और हमारी इंग्लिश में फ्लुएंसी गायब हो जाएगी, इतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे, इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। सो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये कैसे होने वाला है, तो ये जब होगा जब हमें सब चीज़ें इंग्लिश में दिख रही होंगी, ठीक है। तो अब ये आपको इमेजिन करना है कि ये बोर्ड है, सीधे ये बोर्ड है और कुछ नहीं है, बोर्ड, ये डस्टर है, ये सिर्फ डस्टर है, आपको और कुछ देखना नहीं है, ये पेन है, ये आप मार्कर है, आपको हिंदी में नहीं पता है क्या है। तो इस तरह आप जब भी कोई चीज़ देखें तो आप सोच लें, मान लीजिए एक मिनट के लिए कि ये क्या चीज़ है, ये कलम है हिंदी में, है ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं इसको, पेन। तो हर चीज़ के ऊपर ऐसे एक आप सोचेंगे ये पेन है, ये है, ये है, तो आप हर चीज़ को इंग्लिश में देखेंगे। पहली बात, जो भी चीज़ें आपके आसपास दिख रही हैं सब इंग्लिश में दिखनी चाहिए। ट्री, आप बोलें, खुद से बोलें, ट्री, कार, साइकिल, बाइसिकल, डॉग, कुत्ता नहीं चलेगा, डॉग, बिच या हैन या सोफा, ट्री, चैनल, कार, ड्रम, वायर, तार नहीं चमकना चाहिए, वायर चमकना चाहिए, ठीक है, और पर्दा नहीं चमकना चाहिए, कर्टन चमकना चाहिए, ग्लास चमकना चाहिए, बाउल चमकना चाहिए, कटोरी वटोरी नहीं चलेगी, ठीक है। सो आपको जो भी चीज़, गाड़ी नहीं दिखेगी आपको, सीधे कार दिखनी है, ठीक है। तो आप हवाई जहाज नहीं दिखना, आपको एरोप्लेन दिखना है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना सब एक बार बोल दो, रॉड, ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर, शिप, कोई भी चीज़ हिंदी में नहीं बोलना, सब देखो और बोलते रहो, स्टूल या कार, जिप एंड शर्ट, पैंट, एवरीथिंग, सब इंग्लिश में बोलते रहो, जो भी दिखे, स्टैंड या ये वो सब, बॉटल, सब चीज़ें इंग्लिश में दिखनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को इंग्लिश में बिल्ड कर लोगे, जो भी दिखेगा इंग्लिश में दिखेगा, पहला स्टेप हो गया है, ठीक है। तो हमने थिंक इन इंग्लिश आपको सिखाने की कोशिश की है, थिंक इन इंग्लिश, तो सब चीज़ें आप इंग्लिश में देखोगी, हर चीज़ आपको इंग्लिश में दिखनी चाहिए। जो भी चीज़ जा रही है ना, एक आदमी जा रहा है तो वो आदमी नहीं जा रहा, वो मैन जा रहा है,
समझ रहे हैं, एक लड़की जा रही है, लड़की नहीं जा रही, गर्ल जा रही है। इसके यहाँ बेटी नहीं हुई है, इसके यहाँ डॉटर हुई है, ठीक है, इसके लड़का नहीं हुआ, इसके यहाँ सन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी चीज़ दिखनी है वो इंग्लिश में दिखनी है, जो भी चीज़। आसपास पेड़ नहीं खड़े हैं, पेड़ नहीं खड़े हैं आसपास, आपके आसपास क्या खड़ा है, आपके पास ट्रीज खड़े हैं, जो भी दिख रहा है सब इंग्लिश में। तो इस तरह आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो पर्संस होता है, ठीक है। ये आपके सामने आदमी खड़ा है, ठीक है, आप इसका नाम जानते हो मोहन, तो मोहन ही बोलोगे, नहीं जानते तो क्यों है, तो ये ही है, नहीं जानते ना, वो लड़का है ही। इसके बराबर में एक लड़की खड़ी है, ये लड़की है, ठीक है, इसका नाम कविता है। लेकिन अगर आपको कविता के बारे में जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते कविता है, तो ये कौन है आपके लिए, ये शी है। एक ही है, एक शी है, लड़का है तो ही दिखता है, ये ही है, नहीं पता ना नाम, ये ही है, लड़की है तो ये शी है, नाम नहीं पता तो शी है। दोनों की बात करी जाए तो दे हैं, ही एंड शी आर फ्रेंड्स, तो दे आर गुड फ्रेंड्स। तो अगर एक या एक अकेला लड़का है तो ही है, एक लड़की है तो शी है, और दो या दो से ज़्यादा जने हैं, काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि लड़के लड़कियों का ग्रुप है, तो ये सब दे हो गया, ठीक है, बहुत सारे दे। ही शी और दे, देखो ध्यान से देखो बोर्ड पर, ही शी दे मतलब क्या हुआ कि ये और वो, मतलब ही शी दे, जब भी कोई लड़का दिखेगा ही इज़ गोइंग, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ ये करिंग, ही इज़ डांसिंग, ही नाच रहा है। समझो ध्यान से, हिंदी से इंग्लिश में पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे। कैसे, ही नाच रहा है, शी गाना गा रही है, नाम नहीं पता ना, नाम नहीं पता। कोई आप जहाँ भी जाओ ऑब्जर्व करो, हर जगह ऑब्जर्व करो, जहाँ चल रहे हो वहाँ ऑब्जर्व करो। ही खाना खा रहा है, शी नाच रही है, दे तो पागल हो गए, दे जा रहे हैं, दे ऑटो में बैठे हैं, दे सोच रहे हैं, शी मार रही है, ही कुत्ते के काट रहा है। सो जो भी दिख रहा है ना, ही शी और दे दिखने चाहिए, समझ में आया। नो ग्रामर, सीधे इंग्लिश में दिखना है, सीधे इंग्लिश में सोचना है, सोचो भी इंग्लिश में, दिखेगा भी इंग्लिश में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अपने पास से बात करें, आए, ये जो है ना, ये आए है, ये आए है, और यू हो, तू हो, तुम हो या आप हो, इज्जत हो या माफ हो, कुछ भी हो, ठीक है, सिर्फ आई, यू, ही, शी, दे और वी, हम सब हैं तो वी, राइट, हम सब हैं तो वी, आई, यू, वी, ही, शी, दे। इस तरह से जो भी चीज़ दिखेगी, आए अच्छा लड़का, आए खाना खाता हूँ, आए गाना गाता हूँ, आए डांस करता हूँ, या वट एवर जो भी है। यू अच्छे लड़के नहीं हो, यू पढ़ रहे हो, वो यू नेट चला रहे हो, वी एंजॉय कर रहे हैं, वी खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वी सोच रहे हैं, वी पढ़ रहे हैं, ही देख रहा है, शी नहीं देख रही, दे डांस कर रहे हैं। सो इस तरह से आप ग्रामर में एंटर करते हैं और प्रोनाउन को सीखते हैं डायरेक्ट इंग्लिश में। आप वोकेबलरी भी इंग्लिश में सीख चुके हैं, सोचना शुरू कर दिया आपने इंग्लिश में, आपको हर चीज़ इंग्लिश में दिख रही है, ओके। आप लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ही जा रहा है, शी खा रही है, वी डांस कर रहे हैं, यू सीख रहे हो, आई पढ़ा रहा है, और दे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोनाउंस को भी इंग्लिश में सीख लिया है, और ये प्रैक्टिस आपके ऊपर है। देखो इंग्लिश सिखाने का, स्किल्स सिखाने का काम मेरा है, और उनको यूज़ करने का काम आपका है। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आपको यूज़ करनी है, आपको, मुझे नहीं करनी है, ठीक है। तो आइए इससे आगे चलते हैं, और आज की क्लास अगर आपकी कंप्लीट हो गई और आपने भी प्रैक्टिस कर ली, आई एम श्योर कि आपको 10% ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हमारा टाइम हो चुका है, वोकल भी हो चुका है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ रहेगी, बेसिक जो दिस दैट दिस दो हैं, इनके बारे में यार, इनको सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान। तो वो पहले समझ लो, ये है दिस, ये है दैट, ये है दीज, ये है दोज। देखो इनका मैंने ग्रुप बना दिया, ध्यान से देखो ग्रुप क्या बनाया, जो पास्ट होती हैं चीज़ें उनको दिस और दीज बोलते हैं, और दूर वाली चीज़ों को हम दैट और दोज बोलते हैं। सिंगुलर है तो दिस है, और प्लूरल है तो दोज दीज है। सिंगुलर है
तो दैट है और प्लूरल है तो दोज है. नहीं समझ में आया अभी, 5 मिनट में आएगा. देखो एक कार खड़ी है, एक कार, ठीक है, एक कार है, ये मेरे पास है. देखो दिस इज ए कार, दिस इज ए कार, ये मेरे पास है, लेकिन ये कार मेरे से बहुत दूर है ना, ये कार सी लग भी रही है, तो ये मेरे पास नहीं है, ये दूर है. देखो दिस इज ए कार, दैट इज ए कार, दोनों सिंपल सेंटेंस है. दिस इज अ कार, दैट इज अ कार, दोनों ही कार है, पास है तो दिस, दूर है तो दैट. दिस इज अ कार, दैट इज अ कार. अगर यहां एक मैंगो है तो दिस इज अ मैंगो, सिंगुलर एक चीज है, दैट इज अ मैंगो. दिस इज अ मैंगो, दैट इज अ मैंगो. अगर यहां पे एप्पल होगा, दिस इज एन एप्पल एंड दैट इज एन एप्पल. यहाँ एक सोफा है तो दिस इज अ सोफा एंड दैट इज अ सोफा. यहाँ पेन है तो दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन. यहाँ मोबाइल है, दिस इज अ मोबाइल, दैट इज अ मोबाइल. तो जो पास में है वो दिस है और जो दूर है वो दैट है. एक चीज, सिंगुलर के बारे में बात कर, केवल एक चीज. तो वो कार भी एक है, मैंगो भी एक है, एप्पल भी एक है, जो भी चीज है वो एक है. तो दिस इज ए कार, दैट इज ए कार, दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, दिस इज अ मैंगो एंड दैट इज अ मैंगो. जो पास में होगी चीज दिस इज, जो दूर होगी दैट इज. तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको सीखना है. तो आप बोलोगे दिस इज अ चेयर, दैट इज अ फैन, दिस इज माई आईपॉड एंड दैट इज माई कार. तो जो पास में है, जो दूर है, उनमें आप डिफरेंस बोल कर सीखेंगे. किसी को बताए ना, खुद बात करो. दिस इज माई सनग्लास एंड दैट इज माई कार, दिस इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस. यू नो, आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर परफॉर्म करेंगे. दिस इज माई बाइसिकल एंड दैट इज योर बाइसिकल, दैट्स नॉट मी. ओके, सो आपको ये प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे नहीं करनी. सो मैंने आपको बता दिया है कि करना क्या है और कैसे करना है, ये भी आप आई थिंक के समझ गए होंगे. ठीक है, तो आगे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी और ज़्यादा, और बेटर बोलने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पेंसिल है, दिस इज पेंसिल, वहाँ है तो दैट इज पेंसिल. देखो ऐसे दूर से सोचो, दिस इज ब्रूम, झाड़ू को बोलते हैं, दिस इज ब्रूम, दैट इज ब्रूम, दिस इज मोबाइल, दैट इज मोबाइल. पास में है तो दिस, दूर है तो दैट. ठीक, बात हुई है सिर्फ एक चीज की. अगर एक है ना चीज, कोई भी एक चीज है उसकी बात चलिए. मोबाइल है तो एक है, कार है तो एक है, लेकिन अब मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूंगा. ग्रुप्स की पहले मैंने बात की थी, दिस इज अ कार, यस दिस इज अ कार, नो प्रॉब्लम. दूर है मेरे से, दूर है लगभग यहां है, तो दिस इज कार बट दैट इज कार, दिस इज कार, दैट इज कार. पास में है तो दिस, दूर है तो दैट. मैंगो, दिस इज अ मैंगो, ये तो दूर है ना, दैट इज मैंगो. ये थी सिंगुलर की बात, केवल एक है. लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, ये बढ़ा देता हूँ, ये नंबर्स में ज़्यादा हो गए. ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा है. मोर देन वन को हम प्लूरल बोलते हैं, ठीक है, ये मोर देन वन है. तो ये कार हो गई, यहाँ पे भी एक कार बना देता है, ठीक है, और ऐसे ही मैंगो बना देता है. ये सब मैंगो है, ध्यान से देखिए. देखिए अगर बात करूं तो दिस नहीं है, ये तो बहुत सारी है, तो दिस नहीं हुई, क्या हो गई, दीज. और दीज के साथ आर यूज होता है, दीज आर कार, नहीं कार्स, प्लूरल, दीज आर कार्स. बट अगर दूर है तो दोज आर कार्स, दोज आर कार्स. पास में है ना तो दीज आर मैंगोज, दीज आर मैंगोज. लेकिन अगर दूर हुए तो दोज आर मैंगोज, दोज आर मैंगोज. तो आप ध्यान से देखिए, पहले आपका मिशन है कि आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी मेरे पास हैं. जैसे दीज आर माय फ्रेंड्स, दोज आर माय फ्रेंड्स, दीज आर माय सिस्टर्स, दोज आर माय सिस्टर्स. जो भी चीज़ पास में है, दीज कलेक्शन वाली, दीज ऑल आर माय ट्रीज, Those all are not my trees. ठीक है, तो not की बात करूं, अगर not की बात करूं तो not लगाना बहुत आसान है, मना करना सबसे आसान होता है.
देखो मना करना होता है तो नॉट का यूज़ करना होता है, सीधा सीधा रूल है कि नॉट का यूज़ करो और मना कर दो, इग्नोर दैम। दिस इज माई कार, दैट इज माई कार। दिस इज नॉट माई कार, दैट इज नॉट माई कार। दिस इज माई कार, दैट इज नॉट माई कार। या दिस इज नॉट माई कार, दैट इज माई कार, कुछ भी। दीज आर माई कार्स, दोज आर नॉट माई कार्स। दीज आर मैंगोज, दोज आर नॉट मैंगोज। सही है। सो इस तरह आप जो ये सारा सिस्टम है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नहीं आए हो तो इस वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करो, और तब भी नहीं आए तो मुझे बताना, फिर मैं और कुछ ट्राई करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको बेटर आए, अच्छा आए, और जितना आए सब इंग्लिश में ही सोचने आ जाए। हिंदी में सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हिंदी में नहीं सोचना हमें, इंग्लिश में। देखो ये बाहर कौन भौंक रहे हैं, कुत्ते नहीं भौंक रहे, डॉग्स। सो ये आपको याद रखना है कि जो भी चीज़ें इंग्लिश में दिखेंगी, इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में बोलना है, जो भी करना है सब इंग्लिश में। हिंदी में ट्राई करोगे तो फिर हिंदी वाले रहो, फिर मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इरेज कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, और देखो अगर कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं तो लिखना नहीं, सिर्फ जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर चमक रहा होगा, विजिबल है, अगर नहीं है तो बताना फिर, और कुछ ट्राई करेंगे। नोट्स मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है हमें, यार कुछ याद वाद नहीं करना, सिर्फ बोलना सीखना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, मेहनत नहीं। तो सिंपल सा है, रूल समझ लो, दिस इज अ कार, ये एक कार है, पास में है तो दिस इज अ कार, नहीं है पास में कि कार नहीं है, दिस इज नॉट, यहाँ आ जाएगा नॉट अ कार, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। दिस इज अ कार, दिस इज नॉट अ कार। सिमिलरली दैट इज अ कार, दैट इज अ कार, दैट इज अ कार, अगर नहीं है तो दैट इज नॉट अ कार, दैट इज नॉट अ कार। बोलने की तरकीब यह है, नॉट अ कार एक साथ, दैट इज एक साथ, दैट इज नॉट माई कार, या दैट इज नॉट अ कार, दैट इज अ कार, ठीक है। तो ये बोलने का स्टाइल भी आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने स्टाइल फॉलो नहीं किया और ऐसा लग रहा है कि आप रट के आए हो या आप बोल रहे हो तो लोग आपको पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, याद करके बोलोगे तो पकड़ लेंगे। सिमिलरली बात करूं तो जैसे मैंने ये बताया आपको, सिमिलरली प्लूरल में भी ऐसे ही होगा, जैसे दिस और दैट के साथ हुआ है वैसे ही दीज और दोज के साथ आएगा। दीज आर कार्स, दीज आर कार्स, एंड दीज आर नॉट कार्स। ध्यान से देखिए, दीज आर कार्स, मना करना था, दीज आर नॉट कार्स। ऐसे ही दूर वाली चीजें, तो दोज आर कार्स, दोज आर कार्स हो रही, दोज आर कार्स, मना करना वो कार नहीं है, तो दोज आर नॉट कार्स। ध्यान रखना, प्लूरल बनाने की ध्यान रखना, ठीक है। सो आई होप के आप आज काफ़ी सीख गए हैं, और कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे शेयर करें अपनी प्रॉब्लम, कमेंट करें, ठीक है, और बताएं कि आपको इंग्लिश कैसी लग रही है, सीखने में मज़ा आ रहा है या नहीं। इंग्लिश में सोचना सीखना पड़ेगा, ठीक है। मेन चीज़ जो है ना, जो मैं सिखा रहा हूँ, मेरा मोटो है या आपको प्रैक्टिस में लेना है, वो ये है कि इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश नहीं चलेगा, आएगी नहीं, ज़िंदगी में नहीं आएगी बोलनी, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप वर्क करो, आई होप कि आप सीखोगे। कल हम बहुत सारा सीखेंगे। अगर आपने आज कवर कर लिया है तो आप सोचो 10% आपने कवर कर लिया है, और अगर आप मुझे कल मिलते हो तो 10% आप कल भी कर लोगे, ठीक है। तो डेली क्लास 10% की है, 10 क्लासेस में इंग्लिश को ख़त्म कर देंगे, 11वां दिन नहीं लगेगा, ठीक है। 10 दिन में इंग्लिश ख़त्म, 10 दिन में सिर्फ इंग्लिश ख़त्म होने वाली है। तो आप ये बात ध्यान रखें, एक एक लेक्चर को ध्यान से समझें, 10 क्लासेस हो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है एक दिन में भी देख लो। देखना मोटो नहीं है, सीखना के रोज की क्लास, एक वीडियो देखो 3 दिन तक सीखो, उसको 3 दिन फॉलो करो, एकदम वीडियो देख के ख़त्म मत करो, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। एक दिन देखा, आज देखा ना, तो दिस और दैट में खो जाओ 3 दिन, दिस इज कार, दैट इज कार, जो दिखे वो डोर, अरे गेट नहीं है भाई, डोर है, सीधे सीधे हैंडल, हैंडल, ठीक है। जो भी चीज़ दिखेगी इंग्लिश में दिखेगी, इंग्लिश में सोचोगे, इंग्लिश में करोगे। ये डांस कर रहा है, नाच नहीं रहा है, डांस कर रहा है। मम्मी खाना प्रिपेयर कर रही है,
बना नहीं रही, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में बोलो, देन आफ्टर आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच एंड कैसी